बिहार के वाहन चालकों के लिए सावधान करने वाली खबर लेकर आए हैं। दरअसल अब रोड पर आपका बच्चा पकड़ाता है तो कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे रोड पर बाइक या कार लेकर निकल जाते हैं और इसका खामियाजा कई तरीके से भुगतना पड़ता है, लेकिन बच्चों के लिए अब अभिभावकों का ये लाड़ दुलार उन पर ही भारी पड़ने वाला है। अब अगर रोड पर नाबालिग गाड़ी लेकर पकड़ा जाता है तो अभिभावकों को पहले से कई गुना ज्यादा न सिर्फ पैसा देना होगा बल्कि पुलिसिया कार्रवाई का सामना भी करना होगा। नया नियम जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब बात गार्जियन की है। ऐसा कदम किस लिए उठाया जा रहा है वो भी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों और किस हद तक बच्चों की गलती के जिम्मेदार उनके परिजन बन रहे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। और बिहार में अब सड़क पर निकलने से पहले क्या कुछ करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इसके साथ ही जुर्माने की राशि अब कितनी देनी होगी वो भी आप समझ लीजिए। दरअसल बिहार में नाबालिगों को अभिभावक गाड़ी नहीं दे, इसको लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस जिलों में लोगों को जागरूक करेगी ताकि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले और मरने वाले नाबालिगों की संख्या पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले नाबालिगों की संख्या 130 और घायल होने वाले नाबालिगों की संख्या 120 से ज्यादा थी। वही बात अगर 2021 के आंकड़ों की करें तो 125 मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या 200 से भी ज्यादा थी। हाल में सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की होने वाली मौत की समीक्षा के बाद परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से कहीं अधिक सख्ती बरती जाएगी। हेलमेट, सीट बेल्ट, अंडर एज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग, रेसिंग और खतरनाक ड्राइविंग सहित अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। वहीं नाबालिग चालकों पर परिवहन और यातायात पुलिस की विशेष निगहबानी होगी। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़ा जाता है तो उसके दोषी अभिभावक भी होंगे और उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अभिभावकों को थाने बुलाया जाएगा और उसके बाद ही बच्चों को छोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यदि हम इस खबर में बात करें तो पटना सहित कई अन्य शहरों में कई ऐसे बाइकर्स गैंग हैं जिनमें नाबालिग बच्चों की संख्या अधिक है। इन बाइकर्स गैंग वाले बच्चों को पकड़ने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि बच्चों को पकड़ा जा सके। विभाग के स्तर पर विशेष चलंत टीम का गठन होगा जो कि सभी शहरी और सभी हाईवे पर गश्त लगाएंगे और तेज रफ्तार वाली गाड़ियों को पकड़ेंगे। बिहार में ये पहली दफा नहीं है जब सरकार ने इतनी सख्ती बरतने का काम किया है, लेकिन बार बार सरकार की ढिलाई और प्रशासन की अनदेखी के कारण ही बच्चे सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी लेकर निकलने वालों में ज्यादातर संख्या वैसे बच्चों की होती है जिनकी उम्र कम है या फिर वो नाबालिग। ऐसे बच्चों पर अब कार्रवाई होगी, इसके साथ ही उनके अभिभावक भी फंसेंगे और थाने का चक्कर भी लगाना होगा। इसके साथ ही 25,000 का मोटा जुर्माना भी इन लोगों के खिलाफ लगाया जाएगा। ये तमाम कार्य इसलिए किए जा रहे हैं ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।